वन अधिकार कानून 2006 के अमलीकरण की प्रक्रिया में हो रही समस्याओं पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से राजधानी में विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राज्य भर से संगठनों और वन अधिकार समितियों के सदस्यों ने भाग लिया। शुक्रवार को राजधानी के YMCA में पीपल्स एक्शन फॉर पीपल इन नीड संस्था द्वारा वन अधिकार कानून 2006 के अमलीकरण की प्रक्रिया में पेश आ रही समस्याओं पर विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राज्य भर के संगठनों और वन अधिकार समिति के अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा में प्रतिभागियों ने वन अधिकार कानून के अमलीकरण में हो रही देरी और आधी अधूरी प्रक्रिया पर गहरा रोष जाहिर किया। इस विषय में बात करते हुए जिला सिरमौर के दीप राम शर्मा ने कहा कि वन अधिकार कानून को लागू करने में पिछली सरकार ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वर्तमान सरकार ने भी इस विषय में कोई कारगर कार्य नहीं किया है। पूर्व सरकार या वर्तमान सरकार बिल्कुल खामोश है इस कानून को क्रियान्वयन करने के लिए, पूर्ण रूप से लागू करने के लिए। तो इसमें एक ये भी है कि आज के दिन एक ज्ञापन भी जो है पास किया जाएगा जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे मुद्दों की बात हम करते हैं कि जो कमेटी चाहे विलेज लेवल की या सब डिविजन लेवल है या DLC लेवल की, कि अभी भी पूर्ण जानकारी उन कमेटियों की नहीं है। जो एक सरकार का भी दायित्व बनता था कि कमेटियां तो बन गई परंतु उनका कोई भी ओरिएंटेशन जो है अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा है कि जो भी एक प्रक्रिया के लिए, जब दावे प्रक्रिया होंगी इसके लिए दस्तावेजीकरण जो होना है, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है टोटली उर्दू में है। जब भी वो अपना दस्तावेज RTA के माध्यम से जो विभाग से रेवेन्यू से या पुलिस से लेते हैं तो उनका कहने का मतलब होता है कि नहीं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कराओ, तो लोगों को कहाँ हिंदी में। तो ये प्रोविज़न जो FRA एक्ट में भी कि उनको ऐसे दस्तावेज जो है गवर्नमेंट जो है फ्री में मुहैया कराएंगे और वो भी ट्रांसलेट करवाओ। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ शिवानी कपूर की रिपोर्ट।